हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कुक विद किली में। तो आज मैं आपके साथ ब्रेड वडे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए जिससे कि मेरे नए आने वाले वीडियो की रेसिपी आपको पहले मिल सके। तो चलिए इस अमेजिंग रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच जितना मूँगफली का तेल लिया है। 1 बड़ा चम्मच भर के हम इसमें जीरा ऐड कर देंगे, करी पत्ती ऐड कर देंगे, अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और छोटे छोटे टुकड़ों में कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर देंगे। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। 1 मिनट पकाने के बाद हम इसमें उबले हुए आलू ऐड कर देंगे और उसे अच्छे से मैश कर लेंगे। अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। तो स्वाद के अनुसार जितना हमें तीखा पसंद हो उतना हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच चाट मसाला ऐड कर देंगे। 1/2 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1 छोटी चम्मच गरम मसाला ऐड कर देंगे। स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देंगे। मसाले को खट्टा मीठा बनाने के लिए यहाँ पे मैं 2 बड़े चम्मच गुड़ पाउडर ऐड करूँगी। आप इसमें चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं, गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी मीठी चीज़ का आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। थोड़ी सी हम इसमें किशमिश ऐड कर देंगे। किशमिश से बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। जब भी हम इसे खाते हैं तो बीच बीच में जब भी किशमिश आती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड कर देंगे। हमने यहाँ पर गुड़ डाला है तो उसे बैलेंस करने के लिए हम थोड़ा सा इसमें नींबू का रस भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर पहले ही मैंने नींबू का रस ऐड कर दिया है, तो उसका वीडियो मैं लेना भूल गई हूँ। तो आप इसमें नींबू का रस भी ऐड कीजिए। इससे एकदम खट्टा मीठा तीखा मज़ेदार सा मसाला बनके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ हमारा मसाला रेडी हो चुका है। यहाँ पे हम ब्रेड वड़ा बना रहे हैं तो ब्रेड तो चाहिए ही। तो यहाँ पे 1 स्लाइस हम ब्रेड की लेंगे और उसकी किनारी को इस तरह से काट लेंगे। आप इसको किनारी सहित भी बना सकते हैं, लेकिन किनारी काटने से क्या है कि बहुत ही अच्छा सा जो वड़ा है वो बनके तैयार होता है। सभी साइडों से हम ब्रेड को पानी में भिगो देंगे इस तरह से। इसके ऊपर अब हम मसाले को रख देंगे और बीच में एक चीज़ का टुकड़ा रख देंगे। उसके ऊपर थोड़ा सा और मसाला हम रख देंगे इस तरह से, और ब्रेड को लेके एक अच्छा सा गोल सा वड़ा बना के तैयार कर लेंगे। तो भले ही ब्रेड टूट जाए लेकिन इसका दबाने से वड़ा अच्छी तरह से बन जाता है। थोड़ा सा दबा दबा कर वड़े को बना लीजिए, क्योंकि इसमें से जो ब्रेड ने पानी एब्जॉर्ब किया है वो निकल जाएगा। जितना पानी निकल सके उतना पानी निकाल के आप वड़े को दबाकर अच्छी तरह से उसे इस तरह से गोल बना लीजिए। तो वड़ा बनके तैयार हो गया है। इस तरह से सभी ब्रेड वड़े हमें बनके तैयार कर लेने हैं। कोई कोई जगह से अगर मसाला दिखने लगे वड़े में तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो तेल में जब हम फ्राई करेंगे तब भी वो बिखरेगा नहीं। तो यहाँ पे हम इसी तरह से दूसरे ब्रेड वड़े को भी तैयार करके इस तरह से रख लेंगे और सभी ब्रेड वड़े हम इसी तरह से बना के तैयार कर लेंगे। तेल को मैंने पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था, तो तेल है वो गर्म हो चुका है। अब हम इसमें जितने समा सके उतने वड़े ऐड कर देंगे। धीरे धीरे वड़े हमें तेल में डालने हैं, हाथ को बचाकर वड़े डालने हैं, नहीं तो हमारा जो हाथ है वो जल सकता है। वड़े का नीचे का पार्ट जब थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए तभी हमें इसे पलटना है। तो नीचे का पार्ट है वो क्रिस्पी हो गया है और हमने इसे पलट लिया है। सभी साइड से उलट पुलट करके हमें इसे क्रिस्पी होने तक पकाना है। तो सभी तेल में डाले हुए वड़े का कलर है वो चेंज हो चुका है, वड़े हैं वो क्रिस्पी होने लगे हैं। तो इसे क्रिस्पी होने में कम से कम 3 से 4 मिनट लगते हैं। तो हमारे वड़े बनके तैयार हो गए हैं। इस तरह सभी वड़े हमें तेल में फ्राई करके निकाल लेने हैं। अच्छी तरह से धीरे धीरे हमें फ्राई करना है और गैस को हमें मीडियम फ्लेम पर रखना है। सभी वड़े बनके तैयार हो गए हैं। एक वड़े को हम इस तरह से तोड़ कर देखेंगे।
तो एकदम चीज़ी ब्रेड वड़ा बनके तैयार हो गया है। अगर आपको ये मेरे ब्रेड वड़े की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए जिससे कि मेरे नए आने वाली वीडियो की रेसिपी आपको पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।